नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास काल्टा और आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल काल्टा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे हाथ में जो आप गन देख रहे हैं, ये 12 बोर गन है, विस्को स्पेशल, मंडी HP की है। और इसमें एक मेरे प्रॉब्लम आ गई है कि इसका जो लेफ़्ट साइड का बैरल है, इसका जो फायर पिन है, ये टूट चुका है। पता नहीं किस कारण से ये टूटा है, ये समझ से बाहर बात है। और जब मैंने देखा, इसका फायर पिन जो है टूटा पड़ा था। तो दोस्तों, इसको मैं आज रिपेयर करने जा रहा हूँ, इसको मैं खुद ही रिपेयर कर रहा हूँ अपने हाथों से। तो मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो फायर फिन है, देखिए एक बाहर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, चलो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गन को जो है मैंने डिसअसेंबल कर दिया है और अब देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने फायर पिन को। सेफ्टी को मैं सबसे पहले आगे कर दूंगा और फिर जो है तब तक हमारी फायर नहीं होती है, ये मैं सेफ्टी को आगे कर रहा हूँ। और अब देखिए मैं सबसे पहले, मैं आप यहाँ से देख पा रहे हैं, टूटा हुआ जो है मेरा फायर पिन आपको नज़र आएगा। ये देखिए, ये अंदर थोड़ा सा नज़र आ रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, राइट वाला पूरा बाहर आ गया है। तो दोस्तों, इसको जो है मैं अब रिपेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डबल बैरल सेफ वाली गन है और इसको जो मैं सबसे पहले ओपन करने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक नट लगा हुआ है, इसको मैं निकाल दूँगा इस तरह से। और उसके बाद इसको मैं थोड़ा साइड करके, इसके अंदर आपको एक नट और नज़र आ रहा होगा, इसको भी मैं खोल दूँगा। दोस्तों, बहुत ध्यान से आपको ये काम करना होगा इस तरह से। और ओपनर के अंदर भी एक नट लगा रहता है, इसको भी मैं खोल दूंगा। तो दोस्तों, ये घोड़े वाली गन एक हमारी रहती है और ये सेफ वाली गन है। और देखिए इस तरह से इसको आप बाहर कर दीजिए। तो दोस्तों, ये भारत की, हिमाचल प्रदेश की विस्को स्पेशल डबल बैरल गन है। और इसको भी मैं, देखिए ये नट, दोनों नट को मैं यहाँ से खोल रहा हूँ इस तरह से। देखिए मैंने दोनों को खोल दिया है और ऊपर से पेचकस से इसको मैं मार दूँगा हल्का सा और इस तरह से ये बाहर आ जाएगा। और इसके बाद दोस्तों, देखिए अब ट्रिगर वाला जो हमारा सिस्टम है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेफ्टी भी इसी में लगी रहती है, ट्रिगर भी इसी में लगे हुए हैं हमारे। और इसके बाद जो है मैं बट स्टॉक से मैकेनिज्म को बाहर निकाल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं इससे पहले भी मैंने एक बेल्जियम डबल बैरल गन को रिपेयर किया था, उसका वीडियो भी मैंने डाला था। ये थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैंने आपको आपके सामने भी गन को खोला है, ये हमारी बैरल है, ये हमारा लॉक है और ये ट्रिगर सिस्टम है। और ये देखिए आप, ये बट स्टॉक है इसके, ये हमारे इसके अंदर हमारा सारा मैकेनिज्म रहता है। इसको मैं भी खोलूँगा आपके सामने, ये हमारे स्क्रू है, विस्को स्पेशल। दोस्तों, ये देखिए गन है डबल बैरल। और अब देखिए दोस्तों, इसको मैं खोलने जा रहा हूँ। ये देखिए ट्रिगर इसको पुश ऊपर को करता है इस तरह से, तभी हमारी फायर होती है। और ये देखिए, ये जब हम गन को खोलते तो नीचे को होके ये जो है फायर पिन अंदर को चली जाती है। और दोस्तों, ये देखिए अंदर से हमारा जो है फायर पिन जो है इससे निकल चुका है बाहर, ये अंदर ही था, इसमें फंसा हुआ, टूट चुका है किसी कारण, हो सकता है बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, टूट भी सकता है। तो दोस्तों, इसको मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ा आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, इसको मैंने निकाल दिया है और इसके अंदर एक स्प्रिंग रहता छोटा सा, ये देखिए। और दूसरे वाला जो है दोस्तों, ये भी सेम ही रहता है, दूसरे वाले को मैं निकालता हूँ और इसके अंदर भी एक स्प्रिंग रहता है। जैसे हम पुश करते हैं ट्रिगर, इसको पुश करता ऊपर को, तो ये वापस स्प्रिंग की मदद से अपनी जगह पे आ जाता है। अब मैं थोड़ा आपको फास्ट फॉरवर्ड करके भी दिखा रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको मैं जो है खुद ही रिपेयर करने जा रहा हूँ। अब मैं इसको खोलूँगा, आगे वाले यहाँ पर एक नट लगा रहता है, वैसे इसको खोलने की आवश्यकता थी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसको प्रॉपरली चेक करूँगा खोल के और इसमें ऑयलिंग भी करूँगा। ये देखिए इस तरह से। और दोस्तों, दूसरी जगह भी सेम इसी तरह से आपको जो है खोलना पड़ेगा।
दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था बेल्जियम गन का, उसमें मैंने कमानी डाली थी, वो भी आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। वो दोस्तों बेल्जियम की गन थी और ये भारत की गन है, हिमाचल प्रदेश की HP की है, और इसका और उसका मैकेनिज्म जो है बिल्कुल सेम टू सेम है दोस्तों, और ये बिल्कुल कॉपी है बाहर की गनों की, और बहुत ही अच्छी गन है और मैं काफ़ी समय से इसको यूज़ कर रहा हूँ। और इसका इसकी चौके भी बहुत बढ़िया है और इसकी रेंज भी काफ़ी लॉन्ग है। और देखिए दोस्तों ये मैंने अपना फायर पिन जो है बाहर निकाल दिया, इसी में फायर पिन लगा रहता है, ये टूटा हुआ मैंने निकाल दिया है। उसके बाद देखिए मैं दूसरे वाला भी आपके सामने अभी निकाल दूंगा, और दूसरे वाला जो मेरा फायर पिन है वो बिल्कुल सही है, एक ही टूटा इसमें, और उसको मैं खुद ही रिपेयर करने भी जा रहा हूँ आपको वीडियो में, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों। बेल्जियम गन बाहर की सेफ वाली जो भी गने हैं बिल्कुल उसकी कॉपी है दोस्तों, सेम टू सेम, और सारी गने इसी तरह से रहती है। डबल बैरल सेफ वाली अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप इसी तरह से खोल सकते हैं। देखिए ये टूटा हुआ फायर पिन है हमारा, और दूसरे वाला बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं आप, ये हमारा देखिए बिल्कुल टूट चुका है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये देखिए हमारे जो हैं कमानी आ गई है, कमानियों के माध्यम से जो है हमारी फायर पिन जो है हिट करती है कार्ट्रिज में, ये प्रेस होता है और फिर जैसे हम ट्रिगर दबाते हैं और ये एकदम से पुश करके जो है फायर पिन को जो है हिट करता है, फायर पिन जो है हिट करती है कार्ट्रिज में। और ये देखिए दोस्तों इसके अंदर बिल्कुल मैंने इसको खोल दिया है, पूरी तरह से कुछ भी नहीं बचा है। थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने आपके सामने खोला है, ये आप यहाँ देखिए ट्रिगर वाला सिस्टम है, इसके नट्स है और फायर पिन जिसमें लगे रहते हैं, कमानियाँ हैं, लॉक हैं और मैकेनिज्म जिसके अंदर सेट रहता है, और आप देख पा रहे हैं बट स्टॉक है और इसकी बैरल है। ये देखिए दोस्तों ये टूटा हुआ है एक, और ये सही है और ये टूट चुका है, इसी को रिपेयर मैं अभी करूँगा। ये कमानियाँ हैं, बहुत पूरा मैकेनिज्म आपके सामने मैंने खोल दिया है। दोस्तों मेरे पास बहुत बड़ा जो है टूल तो इसका है नहीं है रिपेयरिंग का, लेकिन छोटा मोटा जो भी टूल है उसी के द्वारा मैं इसको आज रिपेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप किसी के पास जाते हैं रिपेयरिंग वाले के पास, काफ़ी दिन लग सकते हैं वहाँ पे, आपकी काफ़ी पैसा खर्च हो सकता है, और आप इसी के माध्यम से जो है खुद अगर आप करना चाहो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर मैं सेटिंग इसकी मिला रहा हूँ, इसमें मैंने 2 इंच की जो है कील लगा दी है, जो हम लकड़ में जिसको हम यूज़ करते हैं। अब इसकी मैं सेटिंग करूंगा दोस्तों। ये मैंने कील देखी, मैं बाहर खींच रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से, और इस कील को जो है मैं इसमें बेल्ड करूंगा, और मैं लोहे वाली बेल्डिंग ही जो यूज़ करूंगा, पीतल वाली बेल्डिंग इसमें नहीं यूज़ करूंगा। ये देखिए दोस्तों मैं इसको लॉक को बाहर खींचने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, देखिए इस तरह से टूटा हुआ, देखिए मैं इसमें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें मैंने एक कट डाल दिया है बीच में, जहाँ पर फायर पिन मेरा टूटा था वहाँ मैंने कट डाल दिया है, और इस कट के अंदर जो है मैं इसको जो है कील को जो है बेल्ट करूँगा पूरी अच्छी तरह से, इसके इसमें बेल्डिंग भर दूँगा, और बेल्डिंग भरने के बाद जो है इसको मैं ग्राइंड करके इसकी फिटिंग बना दूँगा। दोस्तों मैंने एक हल्का सा टांका इसमें दे दिया है, अभी ज़्यादा बेल्ट नहीं करूँगा, अभी थोड़ा गर्म भी है, और अब इसकी डिसाइड करूँगा। तो दोस्तों इसकी मैं थोड़ी सी फिटिंग कर लूँगा, जैसा आप देख पा रहे हैं ग्राइंडर के मदद से ही मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग अभी कर रहा हूँ, और मैं अभी थोड़ा सा इसको लंबाई रखूँगा। देखिए दोनों आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैंने देखिए जो मोटा सा है ये मैं अभी इसकी फिटिंग बना रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए थोड़ा मैंने लंबा भी रखा है, मैं इसकी थोड़ी सी घिसाई कर दी है। अब देखिए दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं मैं इसमें मैंने इसकी पूरी फिटिंग करने के बाद मैं आपको, आप देख पा रहे हैं काफ़ी लंबा भी हमारा फायर पिन है, ये कंपनी का है, और ये बाद में मैं अभी फ़िट कर रहा हूँ, और फिट करने के बाद इसकी मैं घिसाई करूँगा दोस्तों, दोनों को बराबर रख दूँगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक फायर पिन देखिए ये पहले वाला है, और इसको जो मैं अभी देखिए फ़िट करने जा रहा हूँ, थोड़ा लंबा रखा है मैंने अभी इसको ताकि कमी ना हो इसमें कोई। दोस्तों इस तरह से देखिए मैंने लॉक लगाने के बाद इसकी मैं थोड़ी थोड़ी घिसाई कर रहा हूँ, इसको बिल्कुल फिटिंग में ला रहा हूँ। ये मैंने सारा सामान देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, और ढक्कन में मैंने इंजन ऑयल जो है गन ऑयल इसमें रख दिया है, और जितना भी इसमें जितने भी इसके अंदर जो भी सामान लगा है इसमें मैं ऑयलिंग करके सबको एक एक करके सबको जो है सेट कर दूँगा। देखिए इस तरह से मैं ऑयलिंग कर रहा हूँ, कमानी में ऑयलिंग कर रहा हूँ। सबसे पहले जो मैं इसमें कमानी फिट करूँगा,
और उसके बाद जो मैं इसमें जो है ये देखिए इस तरह से, ये देखिए दोस्तों, इसके बाद जो हमारा जो फायर पिन है इसको मैं इसमें लगा दूंगा। दोस्तों ये काफ़ी मुश्किल काम है यहाँ पर सेट करना, यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम कर लेता है, लेकिन मैं चलो पेचकस के माध्यम से इसको मैं सेट कर लूँगा और मुझे थोड़ा सा आइडिया है तो मैं एक दो झटके में इसको अंदर बिठा दूँगा पूरी तरह से, लेकिन आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये काफ़ी मुश्किल काम रहता है दोस्तों यहाँ पर। और देखिए इस तरह से दूसरी कमानी में डाल दूँगा और मैं दूसरे सिस्टम को भी इसी तरह से सेट कर दूँगा और इसमें फिर उसी लॉक को मैं लगा दूँगा। दोस्तों मैंने अभी आपसे बात की थी, बाहर की जो गने हैं सेफ वाली सारी सेम रहती है, बिल्कुल कॉपी है दोस्तों बाहर की गन की, बहुत बढ़िया गन है, इसको कॉपी बोल सकते हैं, लेकिन गन जो है एक नंबर की है, बहुत ज़बरदस्त गन है। और इस तरह से आप सब में ऑयलिंग कीजिए, जो भी जिस तरह से असेंबल करके मैंने आपको दिखाया, अब मैं इसको असेंबल कर रहा हूँ। अब इसको देखिए मैं लॉक को लगा दूँगा धीरे धीरे, ज़ोर से आपको चोट नहीं मारनी होगी। इस तरह से देखिए मैंने पूरा सेट कर दिया है, ये देखिए दोस्तों पूरा मैकेनिज्म मैंने इसमें फिट, जो भी मैकेनिज्म है वो मैंने इसमें सेट कर दिया है। और ये देखिए मैं थोड़ी चेकिंग कर लेता हूँ इसको ध्यान से, कहीं कोई कमी तो नहीं रही है दोस्तों। अब कंप्लीट होने के बाद जो है बट मैकेनिज्म और सब कुछ बैरल बुरल मैं इसमें सेट करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसमें बट स्टॉक जो है फिट कर दूँगा। ये देखिए ट्रिगर वाला हमारा सिस्टम है और इसके ऊपर जो है सेफ्टी स्विच वाला जो है ये लगा हुआ है। कंप्लीट गन में मैं ऑयलिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ, ये देखिए इसकी सेफ्टी है। बाकी दोस्तों ऑयलिंग किस तरह से करनी है वो मैं बाद में भी आपको एक वीडियो इसका बनाऊँगा, और अभी मैं इसको अब सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों उसी तरह से आपको नंबर वाइज ही इसको सेट करना होगा। मैं ट्रिगर वाला जो हमारा है सिस्टम है इसको यहाँ पर सबसे पहले मैं पेच लगा दूंगा, नट लगा दूंगा और इसको अच्छे से टाइट करना आपको होगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर जहाँ पे आपकी सेफ्टी होती है दूसरी तरफ को वहाँ पर ये निकलता है। इसको बट स्टॉक में जो है ये आपस में काफ़ी खूब अच्छे से ये जोड़े रखता है मज़बूती के साथ। तो देखिए आर पार है, और ये हमारे जो ओपनर के नीचे भी एक नट लगा रहता है जो मैंने पहले बताया, इसको भी आप अच्छे से टाइट कर देंगे। अब जो है देखिए जो ट्रिगर का हमारा जो सेफ्टी है इसके नीचे वाला इसके अंदर जो है देखिए नट, इसको भी मैं लगा दूंगा इस तरह से, अच्छे से आपको टाइट करना है, लूज़ कोई भी नट ना रहे। ये देखिए मैं चेक कर रहा हूँ दोस्तों, अब जैसे मैं ओपनर को करूँगा तो हमारा सेफ्टी बैक होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और अब जो है मैं इसको जो है यहाँ पर इसमें थोड़ा ऑयलिंग करके यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ। ये देखिए इस तरह से इसमें दो नट, एक मैंने पहले लगा दिया और दूसरा मैं भी लगा रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से, अच्छे से इसको भी मैं टाइट कर लूँगा इस तरह से। ये देखिए दोस्तों हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है, दोनों फायर पिन आपको नज़र आ रही होगी जैसा आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ी ऑयलिंग करूँगा जहाँ पे हम बैरल को सेट करते हैं, यहाँ पे बैरल हमारी फिट होती है, तो जहाँ जहाँ मैं ऑयलिंग कर रहा हूँ आप भी वहीं ऑयलिंग कीजिए। इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक लॉक लगा रहता है, बीच में बैरल को लॉक भी करता है अच्छे से। तो बैरल देखिए दोस्तों, बैरल है, बैरल में यहाँ पर और यहाँ पर जहाँ जहाँ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको ऑयलिंग करनी होगी। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो इसलिए। ये हमारा लॉक है दोस्तों, इसमें भी आपको ऑयलिंग अच्छे से करनी होगी ताकि ये कभी जाम ना हो। अब बैरल को मैं आपस में जोड़ दूंगा बट स्टॉक के साथ। देखिए दोस्तों ओपनर को आपको पूरा आगे करना है, पूरा आपको पहले नीचे बैरल को सेट करना है और आराम से आपको इस तरह से देखिए बैरल आपकी जुड़ जाएगी। बैरल को असेंबल कर दिया है, अब मैं देखिए इसमें लॉक जो है मैं इसमें लॉक लगा दूंगा। ये देखिए इस तरह से, देखिए दोबारा से थोड़ा सा मैं इसको सेट करूँगा झटके के साथ। देखिए इस तरह से ये बाहर को आ गया है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमने गन को असेंबल कर दिया है और अब इसमें बेल्ट लगा देंगे इस तरह से। बेल्ट बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों गन में, कैरी करने के लिए आपको आसानी रहती है। ये देखिए दोस्तों इसकी चौके है, बहुत ही बढ़िया चौके हैं, और इस तरह से मैं कवर में खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए देखिए जैसे हम इसको खोलते हैं तो हमारे फायर पिन जो है पीछे को जाके लॉक हो जाती है। अब सेफ्टी स्विच में आगे करूंगा और इसमें हमारी फायर हो जाएगी। देखिए इस तरह से आगे कर लिया, एक दो, दोनों
दोस्तों आवाज़ आ गई है और काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार खोल दिया। मैं गन को ओपन कर लेता हूँ, बैरल को बाहर निकाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो है आपको जो है दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए सेफ्टी मैंने आगे कर दी है। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले जो है राइट वाला जो है फ्रंट वाला जो हमारा ट्रिगर है, इसको दबा के राइट वाला जो हमारा फायर होता है, देखिए इस तरह से, ये देखिए राइट वाला फायर पिन हमारा बाहर आ गया है। और इसके बाद लेफ्ट वाला, देखिए दोस्तों लेफ्ट वाला मैंने अभी इसमें नया इसमें जो है फिट किया है। और इस तरह से देखिए दोस्तों, आप अपनी गन को जो है रिपेयर खुद ही कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी ना हो तो आप ये वाला पंगा मत लीजिए, बहुत ही ये मुश्किल काम है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप जो हैं कर सकते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह से गन आपके सामने हैं, अब आप देख पा रहे हैं। मैं अंदर से बैरल देखिए कितनी हमारी क्लीन है, बिल्कुल चमक है। इसके अंदर पॉलिश बहुत ही ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा होगा, लाइट में थोड़ी सी धूल है दोस्तों, इस वजह से जो आपको नज़र आ रहा होगा। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से मैंने जो है अपना फायर पिन जो है रिपेयर किया है, ठीक किया है। वैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो रिपेयरिंग करने वाले होते हैं उनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे इसके किट होते हैं, खोलने के रिपेयर करने के सामान होता है, मशीनें होती हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने अपने तरीके से जो भी मेरे पास सामान था उसी के माध्यम से मैंने इसका जो फायर पिन जो है रिपेयर किया है। तो मैं थोड़ा सा अभी आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये देखिए दोस्तों, एक आया ये दूसरा आया। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।